हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज का जो वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है वो आपको थंबनेल देख के समझ ही गया होगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। और ये जो वीडियो है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो जैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड की जो एजुकेशन मिनिस्टर है श्रीमती वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने ट्वीट किया कि 10th और 12th के एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले। तो जी हाँ, इस बार जो 10th और 12th के जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन हो गए और उसके डेट भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बताया है। तो जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया है वो आप लोग भी जाके उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो कि जो 12th स्टैंडर्ड है ना HSC के स्टूडेंट, उनका जो मार्च ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है वो 4th मार्च से लेके 7th अप्रैल तक होने वाला है। और वहीं बात करें अगर 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं SSC की, तो उनके जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक होने वाले हैं। और इसके साथ उन्होंने कुछ और भी मतलब जानकारी दी है उसमें, जैसे कि प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम, तो 12th और 10th दोनों के प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम के डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो 12th स्टैंडर्ड मतलब HSC के जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होंगे तो वो 14 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाले। और वहीं बात करें अगर हम लोग SSC मतलब 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की, तो उनके जो प्रैक्टिकल्स की डेट है वो 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल 2020 तक होंगी। तो इस तरीके से डेट अनाउंस हो गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी शॉक हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। और अभी भी लगभग देखा जाए तो 3 महीने का टाइम लगभग बचा हुआ है, जनवरी फरवरी और मार्च में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो उसमें आप लोग मेहनत कर सकते हो। और जिसने पढ़ाई नहीं किया तो उसमें आप 3 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर वहीं बात करें तो इसमें कुछ फेरबदल हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम पे ओमिक्रॉन का खतरा है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो एग्ज़ाम हो सकते हैं कि ऑनलाइन भी हो, तो उसमें बहुत सारे लोग खुश भी हो जाएंगे। बट उसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल तो देखते हुए कम ही लग रही है। अरे कहना क्या चाहते हो। और एट द लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर प्रिपरेशन। थैंक यू।